हेलो एवरीवन, मैं नितिन दीन ऑफिसियल, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो शाम का टाइम है गाइस, बस जो अभी जा रही हूँ धो लूँगी, फिर उसके बाद कम वगैरह सब कुछ करूँगी। फिर उनकी मैम सीवरत सिंह की मैम भी आ जाएंगी कोचिंग पढ़ाने के लिए, तो मैं उसको दिन में तो कभी सो ही नहीं पाती हूँ। सिवांश आ जाते हैं, रुद्रांश होते हैं, तो फिर होता है सो गए सिवांश का इंतजार, फिर सिवांश आ उनको खाना पीना वगैरह, तो फिर उसके बाद 3:30 तक इनकी कोचिंग रहती है, तो टाइम ही नहीं मिलता है। ये होता रात में सुकून से सो पाते हैं, दिन में तो सो ही नहीं पाते हैं। तब चलने का इस मुझे लेंगे, मुझे मिलने के बाद फिर उसके बाद किचन में चलते हैं, इनके मैम आ जाएंगे तो चाय वगैरह, फिर उसके बाद सब्जी वगैरह हम पहले ही दोपहर में ही काट लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है मेरा काम सब कुछ आसान हो जाए, ज़्यादा सही रहे। बच्चे हैं तो उनको देखना रहता है गाइस, तो अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, करना है तो फिर अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। ये देखिए गाइस, मोकली में खाना हमारा हो चुका है, अब इसके बाद ब्लैक टी बन रही थी, इसके बाद से पापा बनेंगे, फिर हम लोग के लिए दूध वाली चाय बनेगी। ये देखिए गाइस, हमारी चाय चढ़ चुकी है जो है, और उसके बाद ये नमकीन है सेव वाली। ये देखिए गाइस, हमारी लौकी कट चुकी है, उसके बाद हम कर के लिए नीचे में काट ले रहे हैं। यही होता है, शाम को बना लेते हैं, रुद्रांश हो गए तब फ्री हो गए हैं, तब सुहास भी जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए, तो सब्जी बना देते हैं गैस, फिर उसके बाद रोटी जो है तो गर्म गर्म बनता रहता है, अपना सही रहता है। ये भी रहता है कि सब्जी बन जाता है, तो ये देखिए गैस सुहास चले गए, फिर उसके बाद बैडमिंटन खेलने के लिए। ये घर हमारी लौकी की सब्ज़ी जो हमने कैसे हमारे यहाँ बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनती है, आपको जैसा कि हमने ब्लॉग में कई बार बताया, इसी तरीके से सब्ज़ी ये भी अच्छी बनती है, ऐसा नहीं है जो है, तो आप जो है मतलब जैसा जिसके आप सब लोग खाने लगते हैं, किसी हिसाब से अच्छा लगने लगता है। तो चलिए देखिए गाइस, हमारी लौकी चलिए सिवांश को हम देख ले। ये देखिए गाइस, सिवांश रुद्रांश जो है पढ़ने में ज़्यादा, इधर देखो बाबू, पढ़ाई में मन लग रहा है आपका, इनको देखिए जब पढ़ने का टाइम आएगा तब ये नहीं पढ़ेंगे। अभी जो है ये सिवांश की कॉपी वैसे मतलब नोट से गाइस जो है पहले की है, तो इनको दे दिए, ये हमेशा ऐसे ही करते, उसकी मतलब वो पढ़ने लगेंगे तो इनको पढ़ने ही नहीं देते हैं, सिवांश को परेशान करते। क्यों बाबू परेशान करते हो ना? अब ये चलने लगे, ये बहुत परेशान करते हैं, जब इनको देखते ना रहो तो कहीं सर में चोट कहीं ना कहीं कुछ कुछ लग ही जाता है। ये किसका लिए हो? दादा का लिए हो ना? दादा का है ना? दादा का है ना? ये देखो, ये देखिए मेरे बाबू को, रुद्रांश को, मेरा बाबू है, स्माइल कर रहा, हंस रहा है, बाबू को पढ़ना है, बाबू को देखो, बाबू हंस दो, हंस दो बाबू, अच्छा बाबू चल के दिखा दो। गाइस ये रोते नहीं है, ये हमेशा खेलते रहते, परेशानी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बस इनको खाने को मिल जाए बस। बाबू बा कहाँ है? बाबा को बा बोलते हैं, मम्मी को जैसे माँ बुलाएंगे, बा कहाँ है बाबू? बा बा मम्मा कहाँ है? पापा छो पापा कहाँ है? तो गाइस, अगर आप लोग का आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बोलो, बाय बोल दो।